नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सिलोई आपका स्वागत करता हूं। परमात्मा से दुआ करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा जो पुदीना लगाया हुआ है वो कितना बढ़िया पुदीना हो रहा है। ये मेरा क्यारी के अंदर पुदीना लगा हुआ है और पुदीने के बारे में तो मुझे नहीं लगता कोई ना जानता हो, हर आदमी इसके बारे में जानता है। लेकिन जो है सब लोग मार्केट से लेते हैं पुदीना, तो मैं ये कहूँगा कि आप मार्केट से तो जब तक नहीं है आपके पास तो ले लो। अगर आप इसको गमले में भी अपने लगा लोगे तो आपको बहुत होगा, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेनिफिट इसके इतने हैं कि अगर जो मैं इसको सारे बेनिफिट गिनवाने लगूँ तो ये वीडियो तो 30-35 मिनट की हो जाएगी। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप अपने गमले में लगा लो। मैं आपको दिखाता हूँ गमले में भी ये कितना बढ़िया हो रहा है। देखो, ये मेरा एक वेस्ट थर्मोकोल का पड़ा था तो मैंने इसमें ज़रा सी सी मिट्टी डाल के और ये मैंने लगा दिया था, क्योंकि इसकी जो है जड़ें जो हैं ज़्यादा नहीं जाती हैं, बहुत ऊपर ही रहती हैं इसकी जड़ें। तो आप अपने गमलों में भी इसको लगा सकते हो। मैंने तो 2-3 गमलों में इसको लगाया हुआ है और कोशिश ये करता हूँ, कोई मेरे से कहता है कि मेरे को चाहिए पुदीना तो मैं क्या करूँगा, इसी गमले को उठा के दे दूँगा, ले जाओ अपने घर ले जाओ, तो उनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने 2-3 गमले में लगाए हुए हैं, मैं दिखाता हूँ दूसरे वाले भी आपको। देखो, ये मेरे एक गमले में ये लगा रखा है मैंने और दूसरे में मैंने ये लगा रखा है। हर्बल प्लांट है, हम लोग तो इसको ज़्यादातर चटनी बना ली, जलजीरा बना लिया, छोटी मोटी चीज़ों में इसको ज़्यादातर हम काम लेते हैं। मैक्सिमम यूज हम इसका चटनी में यूज करते हैं। देखो, एक गमले में मैंने ये लगाया हुआ है और इसका लगाने का कुछ ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने ये तोड़नी है, ये तोड़ कर ऊपर ऊपर से ये तोड़ तोड़ कर सीधी सीधी करके ये आप अपने किसी भी गमले में लगा सकते हो और उसमें पानी दे दो। बस इतना ध्यान रखना है कि पुदीना जब भी आप लगाएं उसके अंदर नमी बनी रहनी चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। अगर जो सूखेगा तो इसकी जो है परफॉर्मेंस और इसकी पत्तियाँ जो हैं वो इतनी बढ़िया नहीं रहेंगी। तो कुछ ज़्यादा बड़ा गमले नहीं, छोटे छोटे गमले हैं ये, आप उसमें लगा सकते हो बड़े आराम से, अपनी बालकोनी में रख लो। और धूप चाहिए इसको, ऐसी जगह रखो जहाँ पे इसको धूप जो है पूरी मिलती रहे। तो ये एक एक दो दो पेड़ तो आप इस तरह के लगा सकते हो, जैसे मैंने ये बैंगन का लगा दिया था। तो आप कोशिश करें अपनी बालकोनी में रखें इसको लगा कर और इसका जो है फ़ायदे उठाएँ जितने उठा सकते हो। उम्मीद है आपको ये छोटी सी क्लिप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, छोटी छोटी जानकारियाँ हैं मेरे पास तो वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी उम्मीद के साथ आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, भगवान आपको खूब सारी खुशियाँ दें। नमस्कार।